इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, ऑडिशन देते समय आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर एक्टर्स के दिमाग में चलता रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है और इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिंग लॉजी में। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है। तो जब भी आप किसी ऑडिशन के लिए जाते हैं तो आपका कास्टिंग डायरेक्टर आपको एक स्क्रिप्ट देता है कि भाई आपको इस पे परफॉर्म करना है, तो उसमें कुछ डायलॉग्स लिखे होते हैं। आप क्या करते हैं, उस सारे डायलॉग्स को, सारी लाइंस को याद कर लेते हैं अच्छे से, फिर आप जाते हैं परफॉर्म करने। तो जो भी डायलॉग्स हैं उनमें आप क्या करते हैं, कुछ लाइन अपनी एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं या फिर उनकी कुछ लाइन हटा देते हैं या कुछ लाइन या कुछ वर्ड्स को आप रिप्लेस कर देते हैं अपने वर्ड्स से, अपने सेंटेंसेस से। तो इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक डायलॉग बोलने जा रहा हूं, वास्तव में मैं कौन हूं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना मैंने इस मंच पर आकर छोड़ दिया है, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। अब मैं गया परफॉर्म करने, तो मैंने बोला मैं हकीकत में कौन हूं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो मैंने खुद से पूछना छोड़ दिया है। दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन मैंने क्या किया, शब्दों को रिप्लेस कर दिया, या फिर मैं कुछ और भी ऐड कर सकता था या रिमूव कर सकता था। तो मुझे लगता है आपको इम्प्रोवाइजेशन समझ आ गया होगा। अब सवाल यह है कि इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें पता कैसे चलेगा। तो आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ सकते हैं जो आपका ऑडिशन ले रहा है कि सर जो भी आपने डायलॉग दिया है इसको मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर आपको क्लियरली बता पाएगा कि इसको आपको इम्प्रोवाइज करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो किस हद तक आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत वो आपको आइडिया दे देगा और उसके हिसाब से आपको कर देना है जैसा वो बोले आपको। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि इम्प्रोवाइज करने के लिए क्यों बोलते हैं और क्यों नहीं बोलते हैं? तो होता क्या है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है, जैसे कोई फिल्म का निर्माण हो रहा है, तो बहुत सारे जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि इम्प्रोवाइज हो सीन, और बहुत सारे ऐसा चाहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन आप ना करें। जैसे मैं बात करूं, बॉलीवुड के टॉप के डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप जी, तो उनको क्या है कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत पसंद है। जैसे उनकी बहुत सारी फिल्मों में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे सीन्स जो होते हैं इम्प्रोवाइजेशन के होते हैं, और वो क्या करते हैं, डायलॉग दे देते हैं एक्टर को, फिर बोलते हैं यार देखो ये डायलॉग है और आप अपने हिसाब से आप कर लो, मतलब आप अपनी लाइन को ऐड कर सकते हो, वहां से कुछ हटा सकते हो, कुछ क्रिएटिव चीज डाल सकते हो। तो इस चक्कर में होता क्या, कभी कभी गाइस सीन जो होते हैं बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं और बहुत सुपर्ब हो जाते हैं, मतलब उसमें सरप्राइज एलिमेंट ऐड हो जाता है, ऐसा डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा होता है, ऐसा एक्टर ने खुद भी नहीं सोचा होता है कई बार, और ऐसा ऑडियंस ने भी नहीं सोचा होता है, और सीन्स बहुत सुपर्ब निकल के आता है, बहुत नेचुरल, एक्स्ट्रा नेचुरल इम्प्रोवाइजेशन सीन जो होता है। तो इसके ये फायदे हैं। अभी नुकसान क्या है, इनके नुकसान के कारण बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो बोलते हैं भाई आप इम्प्रोवाइजेशन मत कीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि बॉलीवुड के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं इम्तियाज अली सर, तो वो बोलते हैं कि भाई जो डायलॉग मैंने आपको लिख के दे दिया है बस आप सेम टू सेम मुझे ऐसा ही परफॉर्म करके दे दो, आप अपने मन से कुछ भी ऐड मत करो, रिमूव मत करो, इम्प्रोवाइज मत करो, जो लिखा है बस इतना ही कर दो। उसका रीजन ये है कि उनका ऐसा मानना होता है कि जो भी स्क्रिप्ट लिखी है राइटर ने, वो राइटर प्रोफेशनल होता है, उसने पूरी जो है रिसर्च के साथ वो डायलॉग्स लिखे हैं, उनको जो शब्दों का चयन होता है वो बहुत अच्छा होता है, और आप हैं एक्टर, उनके शब्द ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो चाहते हैं कि जो राइटर ने लिखा है उनका जो प्रोजेक्शन है वर्ड्स को लेकर आप डिट्टो वैसा बोलें, आप अपने आप से मतलब कुछ भी इम्प्रोवाइज ना करें। और राइटर्स भी चाहते हैं अपनी अथॉरिटी के लिए कि जो भी उन्होंने लिखा है आप डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही बोलें, उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि आखिर गलतियां कहां होती हैं। सपोज दैट किसी माइथोलॉजिकल शो की शूटिंग चल रही है और उसकी जो शब्दावली है, जो उसके डायलॉग्स हैं, वो है प्राचीन काल वाली हिंदी, मतलब टिपिकल हिंदी, शुद्ध हिंदी, और आपने क्या किया परफॉर्म करने गए, आपने कर दिया इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज में क्या किया, शब्दों को रिप्लेस कर दिया अपने आम बोलचाल वाली भाषा से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका डायलॉग था तुम्हें क्या लगता है ये सब निरर्थक और निरुपयोगी है, ये वहां पे लिखा था, फिर आप परफॉर्म करने गए आपने बोल दिया तुम्हें क्या लगता है ये सब बेकार और बिना काम का है। तो गाइस इन दोनों लाइन का मतलब एक ही है, लेकिन अंतर क्या है, इनकी शब्दावली का। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इम्प्रोवाइज मत करें। ठीक है, जैसे अगर कोई शब्द है किंतु, किंतु को हमने बोल दिया लेकिन, वहां चल रहा है किंतु परंतु। ठीक है,
और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे जीवन है, हमने जिंदगी बोल दिया। और मान लो कोई ऐसा शो है जिसमें उर्दू यूज हो रही है, ठीक है, मान लो जैसे अभी चल रहा है अलीबाबा, उसमें बोलते क्या खूबसूरत लड़की है, और आप गए आपने बोल दिया क्या सुंदर कन्या है, आपने जो उसका क्या किया, आपने मतलब वही है लेकिन शब्दावली बदल दी, इम्प्रोवाइज कर दिया अपने हिसाब से, जिस भाषा में आप बात करते हो उसमें आपने इम्प्रोवाइज कर दिया। तो ये सब डायरेक्टर्स को नहीं चाहिए होता है। कहाँ पे आपको टाइम बोलना है, उसी टाइम को कहाँ पे आपको समय बोलना है, और कहाँ पे आपको वक्त बोलना है, तो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है कि आप किसके लिए शूट कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट है, किस इरा की शूटिंग चल रही है, और उस इरा में कैसी जो वोकैब है, कैसी शब्दावली यूज होती थी। अगर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं तो वहां पे जाके करिए, वो वाले वर्ड्स यूज करिए, आम बोलचाल वाले नहीं। तो ऐसी गलतियां ना हो इसलिए डायरेक्टर चाहते हैं कि भाई आप इम्प्रोवाइज मत करो, जो लिखा है राइटर्स ने बहुत अच्छा लिखा है, आप सेम टू सेम एज इट इज वैसा बोल दो, बस गलतियां होने के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, इसको कब करते हैं और इसको कब नहीं करते हैं। तो कुल मिला के बस आपको अपने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लेना है कि सर क्या मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बस जैसा वो बोल दे वैसा कर देना है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, उनको डायलॉग्स मिलते हैं, मोनोलॉग मिला, उन्होंने पूरा याद किया उसको और परफॉर्म करने चले गए, उनको क्या उनको याद ही नहीं होता है जैसा उसमें लिखा है वैसा डिट्टो वो याद नहीं कर पाते हैं परफॉर्म करने के ऑडिशन में। तो फिर उन्होंने बोला जो उनके दिमाग में आया, मतलब नहीं चेंज किया लेकिन अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर दिया ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनको याद नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार तो वो चल जाता है, एक्ट बहुत नेचुरल भी हो जाता है, कई जो डायरेक्टर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कई डायरेक्टर जैसे मैंने बताया बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई जो लिखा है वही बोलो। जैसे मैं एक शो कर रहा था मेरे साई में, तो वहां पे बोला था कि घर पर, स्क्रिप्ट में लिखा था घर में, तो बोला भाई सर घर पर लिखा है तो घर पर बोलिए, घर में मत बोलिए, इतना स्ट्रिक्ट होते हैं डायरेक्टर्स। तो आपको अपने आप को खुद को ऐसे ट्रेन करना है कि जब कोई डायरेक्टर बोले कि इम्प्रोवाइज करना है तो आप एकदम मस्त सा इम्प्रोवाइज कर दो, अच्छा सरप्राइज एलिमेंट डालते हुए, अच्छे अच्छे वर्ड्स डालते हुए उनको सरप्राइज कर दो, एकदम नेचुरल एक्ट कर दो। और अगर कोई डायरेक्टर बोले कि भाई आपको इम्प्रोवाइज नहीं करना है तो एकदम कट टू कट जो आपकी स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा डिट्टो आपको बोल देना है। तो दोनों तरीके से आपको ट्रेन करना है खुद को, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन मुझे पोस्ट कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझसे बात करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप यहाँ पर मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आता रहे और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।